मैं और यह साहब से सवाल करना चाहूंगी सर, आप वैसे भी जब भी चैनल पर आते हैं आप बहुत सख्त लहजे में अपने बयान देते हैं, तो ऐसा देखा गया है? पेड़ मार देते नहीं, लोग कहते हैं ऐसा कि तेरा पैर में तो कटोर गया। देखें, मैंने 17 साल पाकिस्तान टेलीविजन के लिए ड्रामा लिखा है, 17 साल, 5 मेरी सीरियल्स हैं और 2 मेरे पास पीटीवी के बेस्ट प्ले राइट के अवार्ड हैं। वाओ। मैंने 12 साल की उम्र से शायरी की थी, 88 में मेरी जो है शायरी की पहली किताब आई थी कामत। बुनियादी तौर पे लिबरल्स का बिरसर मसला ये है कि कहीं कहीं नहीं चाहते कि मेरा सॉफ्ट इमेज जो है पेश किया जा सके, कि अगर मेरा सॉफ्ट इमेज पेश किया जाएगा तो लोग मेरी बात सुनेंगे। ये मेरे साथ बैठी हुई है ना, आप देख लीजिएगा ट्विटर अकाउंट में तस्वीर आएगी, कम से कम 8-10 गालियां तो मुझे फी मिनट पड़ेंगे। देखें, ये दीन की बात करता है, बैठा कहाँ हुआ है, एक मौलवी है बैठा कहाँ हुआ है। वो भाई मुझे सिर्फ ये बताओ, कोई भी पैगंबर आया है क्या उसने वलियों को तबलीग की थी जाके? वो तो सबसे पहले गंदे लोगों में गए थे ना, बुरे लोगों में गए थे ना। तुम इधर आओ ना सर। और ये सब बड़े स्वीट से हैं, और मैं बोलूंगी दैट ही इज लाइक यू नो वेरी नाइस, एंड इनसे इनकी बातें में सुनकर बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलता है। बिल्कुल सही। तो बड़ी अच्छी बात है, जब इंसान कुछ बन रहा होता है ना तो बहुत सारे उसके चेले भी होते हैं और कुछ लोग उनके खिलाफ भी होते हैं। सो ये तो एक नॉर्मल सी बात है। प्यारा बोल दे। अगर आप मेरे बराबर में बैठकर गालियां दिए, मैं बैलेंस आउट कर रही हूं। नहीं, मेरे अपने ख्याल से नहीं है। कितना सोना बोल दे ने, इन्हां नु को डाकू लुटन भी आवे ना, अगो समझाउंदे देखो तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए, डाका नहीं मार, अगला अपने पैसे भी इन्हां नु दे गया। मतीरा बताए, इफ यू डोंट माइंड, आप सिंगल है? नहीं सही गल है, वो सही पूछ रहे हैं, अगर तुसी सिंगल हो तो इन्हें दसो, ये हैकिंग करके तो रिश्ते भी करवाउंदा बेचारा। मैरिज ब्यूरो भी है इनका। मैरिज ब्यूरो। इस साल माशाल्लाह बहुत सी फिल्म्स आ रही हैं, बहुत फिल्म रिलीज हुई है, बहुत जबरदस्त साल रहा है, तो हम कोई तवक्कु करते हैं कि आप बहुत जल्द किसी फिल्म में हमें नजर आए? यार मैंने फिल्मों को आई डिड गेट वन टू, लेकिन मैं नहीं काम कर रही क्योंकि ये लोग बोलते कुछ और है, होता कुछ और है, निकलता कुछ और है। okay. तो मैंने बोला भाई दूर ही रहो। दूर रहो, दुरुस्त रहो। बड़ी बड़ी जितनी भी सेलिब्रिटीज होती हैं, इनके फेक अकाउंट्स बना के लोग बहुत कुछ उनके नाम से चला देते हैं। अरे कभी आपके साथ अभी कैसा हुआ कि कोई फेक ट्विटर ने कुछ कह दिया और वो मतीरा ना कहा ना हो? अरे यार मैं एक बात हमेशा लोगों को बोलती हूँ, मेरा कोई प्राइवेट अकाउंट नहीं है, खुदा के वास्ते में इजी कैश वो क्या होता है, इजी पैसा जैस कैश नहीं मांगती। खुदा के वास्ते। हाय 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 हाय। बड़े लोग बड़ी। लेकिन सर ये जो हमारे बादशाह हैं, इनका रानियों के साथ बड़ा ताल्लुक रहा है सर, ये रानियों ने खराब किया इनको? जो डिसीजन करता है कसूर तो होती है। मतीरा से पूछते हैं, मतीरा बताइए कसूर जो है वो बादशाह का है या रानी का है? क्यों, बादशाह के पास दिमाग नहीं है? बादशाह का दूध पीता बच्चा है। नहीं, लेकिन जब रानियां पीछे पड़ जाती हैं दिमाग बंद हो जाता है। ऐसी रानियां होती है वो पीछे नहीं पड़ती। एक रानी जो है ना सर, यहाँ हमारे शो में बैठी हुई, वो हमारे शो की रानी है। अच्छा, हालांकि हमारे शो में बादशाह कोई नहीं है। और उनका नाम है निमरा मेहरा। ये वो रानी है जो कहते हैं आज रानी नहीं आई, किसे भांडे नहीं धोते। सर निमरा मेहरा सवाल करेंगी। जी निमरा, मतीरा ये बताइए कि देखा ही गया कि आजकल कुछ शोबिज की एक्टिविटीज आपने कुछ कम की हुई हैं, कहीं कोई किताब तो नहीं लिख रही आप? नहीं नहीं, मैं क्यों लिखूंगी? लोग मेरे पे किताब लिखे, मैं क्यों किताब लिखूं? अच्छा ये बताइए कि भी आपका फोन कभी हैक हुआ? अल्लाह ना करे। कि दिमाग में लोग के दिमाग में चीज डाल रहे हो। मुझे एक बात बताइए कि अगर शोबिज में किसी की ऑडियो लीक हो, किसी की एक्स वाई जेड किसी की भी, आपको क्या लगता है किसकी ऑडियो लीक होगी और थतली मच जाएगी? यार आपस की बात है, आई थिंक लीक्स चाहे ऑडियो हो वीडियो हो चाहे वो माने या ना माने बहुत बुरी बात होती है। जिंदगियां तबाह होती है, बर्बाद होती है, एंड लोग को ये मजा लगता है लेकिन इट्स नॉट एट ऑल अ जोक। ये बताइए कि महंगाई ने मतीरा को बहुत है बहुत को मुतासिर किया है? अरे यार बिजली का बिल चोबा। अच्छा। बिजली को
जब आपने बिजली का बिल अभी रिसेंटली देखा मतीरा प्लीज सच बताइएगा उसको देख के जो पहला लफ्ज आपके जुबान पे आया वो क्या था पी 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 मथीरा मैंने अपने बहरी जहाज में एक इवेंट रखा है क्या आप उसको होस्ट करेंगी कौन से वाला जहाज बहरी जहाज क्योंकि आपको देख के पता नहीं मथीरा को ये क्यों याद आया ये वाला बहरी जहाज नहीं वो कायम अली शाह साहब वाला बहरी जहाज मथीरा जी ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰਾਓ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਛਾਂਗਾ ਮਾਂਗਾ ਜੰਗਲ ਚ ਆਓ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ लेक्चर दे ओके मैं हुक्मरानों से दोस्ती कर लूं इसका मतलब और उनको जाकर बातें करूं मतीरा बहुत ही मासूम है आपने कैसे यकीन कर लिया कि इनको मोटिवेशन का मतलब पता होगा इनको पता है मोटिवेशनल का मतलब है मोटिवेशनल यही होता आपने कभी सोचा कि आप इलेक्शन में खड़े हो सोचा सी फिर अच्छा। फिर बाद चो सोचा मैं कहा यार मेरा इमेज खराब हो गया तो उन्होंने डाके ठीक हैकर भाई एक बात बताइए कि आप रोजाना अपने ट्विटर अकाउंट से कोई ना कोई शोशा जो है वो छोड़ रहे हैं लेकिन आप ऑडियो लीक्स जो हैं जो आपने कहा कि आपके पास इतने घंटों की हैं लेकिन आप वो लीक नहीं कर रहे क्यों तो दो रुपए से उतने आ सुटो मैंने मौला दी कसम चुका लो मेरा जाती कोई ट्विटर अकाउंट है ही नहीं सर ये जो हैकर साहब कह रहे हैं कि इनका कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है तो क्या आप इनकी बात से इत्तफाक करते हैं सर देखिए ये जो मीडिया है ना सोशल मीडिया इसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती है इसको कहते हैं फेथलेस मुझे नहीं पता मैं किसको गाली दे रहा हूँ और किसी को नहीं पता कौन मुझे गाली दे रहा है दो चीजें अहम वला तहसु वला तजस्सुस किसी की टो में मत लगा रहा हो यानी हराम है टो में लगना और उसके बाद ये है कि सर जी अगर ये वाली बात है ये टो लगने वाली कितनी आपने हम तो हर वक्त जितनी भी सियासी जमातें हैं इस वक्त टो कर रही हैं एक दूसरे का ऑडियो वीडियो लीक्स जो हैं वो इकट्ठी कर रही हैं और लग ऐसे रहा है कि जिसके पास डाटा ज्यादा है वो उतना मजबूत है ये जो रेस है सर कैसे खत्म करें देखें गीपत की जो डेफिनेशन है बड़ी अजीब है ऐसी बात करना जो किसी को अच्छी ना लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने कहा कि ये तो उसके अंदर है उसने कहा यही तो गीबत है कि उसके अंदर गलत बात है तुम उसको बयान करते हो तो अगर गलत बात नहीं है बयान को तो बोहतान है इतने सारे गीबत पूरी ना भी ना कर सकन ते इशारे नाल ही समझा देंदे ने तेरा ना सही बात है उलमा दानिश्वर सियासतदान इनका काम था कि ये अवाम की तरबियत करते इनकी इस्लाह करते आपको क्या लगता है कि इन्होंने की नहीं है या ये करना नहीं चाहते या जो कुछ इन्होंने किया है वो हमारी समझ में नहीं आ रहा माशरा क्लैप्स होता है ना गिरता है बिल्डिंग तो फिर एक साथ गिरती है गालियां देने वालों में आपको उलमा भी मिलेंगे गालियां देने वाले में सियासतदान भी मिलेंगे गालियां देने वालों में पढ़े लिखे प्रोफेसर भी मिलेंगे कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसके मुंह पे गाली नहीं हो तो माशरा गिरता है इकट्ठा गिरता है सर मैं तो ना कल एक बात सोच रहा था कि अभी मरियम साहिबा को पासपोर्ट मिला अगर मरियम साहिबा का पासपोर्ट गलत जब्त किया गया है तो जिसने उनके साथ ज्यादती की है सर उसको भी तो सजा दें वो भी आजाद है और ये भी आजाद है असल मतलब पता क्या है कि हम इंसाफ उस वक्त करते हैं और उसके साथ करते हैं जो हुक्मरान होता है पाकिस्तान में ये रूटीन है कि आप बरसरे इकदार होंगे तो आपको इंसाफ मिलेगा यही जुल्म है यानी कि हमारे हाथ में फिर कुछ नहीं है आप बचपन में कहानी पढ़ते होंगे ना तो एक ही लफ्ज था एक था बादशाह उसके जमाने में अदल इतना था कि शेर और बकरी एक घाट पानी पीते कोई और मतलब नहीं था सर शेर जो शेर थे बकरी कट्ठे पानी पीने सर शेर तो पट्ठे खाते हैं सर देखिए शेर वाहिद जानवर मैं अर्ज करता हूँ जी शेर वाहिद जानवर है जो इंसान से बेहतर है जब उसका पेट भर जाए तो फिर वो बकरी नहीं खाता इंसान है जिसका पेट